नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आज अंबाला छावनी नगर परिषद में अंबाला के एसडीएम और अंबाला छावनी के व्यापारी वर्ग के बीच में एक मीटिंग कॉल की गई। इस मीटिंग में एसडीएम अंबाला के द्वारा दुकानदारों से को यह निर्देश दिए गए कि वह अपनी अपनी दुकानों के बाहर के क्षेत्र में सामान न रखें जो कि अतिक्रमण के डेया में आता हो, और अपनी अपनी दुकानों के सामने अपने ग्राहकों को अपने वाहनों को पीली पट्टी के भीतर ही खड़ा करने के लिए कहीं, जिससे कि बाजारों में जाम की स्थिति न उत्पन्न हो पाए। और व्यापारी वर्ग ने इस बात में एसडीएम अंबाला को अपनी ओर से पूरा पूरा आश्वासन दिया है कि ना तो वह दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण को बढ़ावा देंगे और अपने ग्राहकों से भी निवेदन करेंगे कि वह अपने वाहन पीली पट्टी के भीतर ही खड़े करें ताकि बाजार में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंबाला से मंजीत कौर की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से बाजारों में हमारी टीम जो है, जो इंक्रोचमेंट कर रखी है दुकानदारों ने, उसको हटाने के लिए बार बार जाती हैं। आज उनका एक एसोसिएशन की मीटिंग कॉल की थी, जिनको ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि भविष्य में ऐसा ना करें, अपने साथियों को समझाएं कि वो आगे बढ़ के ना करें, जिसकी वजह से जाम की जो स्थिति बन रही है ना हो। सर, क्या कुछ बातें सामने आई हैं और क्या ये इंक्रोचमेंट हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा बाजारों में? इनकी तरफ से आया है कि हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे परिषद का, और अगर फिर भी इनको ये भी कहा है कि अगर फिर भी अगर सहयोग हमारा प्रयास तो लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा, अगर कोई सहयोग नहीं करेगा तो ये प्रयास हमारा कंटिन्यू रहेगा। सर, इनका कहना है कि जो निगम द्वारा कार्रवाई होती है उसमें सामान जो है बहुत बुरी तरह से उठाया जाता है और तोड़फोड़ बहुत होती है सामान की। वो ऐसा हमारे कोई ध्यान में ऐसा नहीं आया, इन्होंने दुकानदारों ने आज बताया है। इस बारे में भी अपनी जो टीम जा रही है उनसे कहेंगे भी ऐसा व्यवहार ना करें।